चौक विधानसभा राजस्थान की हॉट विधानसभा सीटों में से एक है। कारण है यहां वर्तमान विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जिनका राजनीतिक कद और रुतबा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ने के साफ संकेत दे चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहां कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों के चयन के लिए शुरू की गई आवेदन प्रक्रिया के दौरान टोंक विधानसभा से 18 कांग्रेसियों ने अपना आवेदन पर्यवेक्षक को सौंप कर अपनी दावेदारी पेश की है। आवेदन करने वाले 18 लोगों में से रामलाल गुर्जर और सुनील बंसल पायलट गुट से ही आते हैं। 18 लोगों के द्वारा दावेदारी जताने के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने पर्यवेक्षक को एक प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव में पायलट को टोंक विधानसभा से फिर से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की गई है। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि 18 में से 2 लोग अपना समर्थन सचिन पायलट को दे चुके हैं। ये दोनों ही कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि अगर पायलट कहीं और से चुनाव लड़ते हैं तो हमारे नाम पर विचार किया जाए। इसी के साथ गौर करने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जताई है उनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो पायलट के सामने टिकता हो। लोगों में उनका प्रभाव भी ज्यादा नहीं है। आपको बता दें कि टोंक विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, एससी और गुर्जर मतदाताओं की बहुलता रही है, लिहाजा कांग्रेस यहां पिछले कई चुनाव में मुस्लिम कार्ड चलते हुए जकिया को अपना प्रत्याशी बनाती आई है। इसी तरह बीजेपी भी यहां से हमेशा हिंदू प्रत्याशी मैदान में उतारती आई थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी की जगह हिंदू प्रत्याशी के रूप में सचिन पायलट को मैदान में उतारा था और बीजेपी ने यूनिस खान को मैदान में उतारा था। पायलट ने यहाँ लगभग 44,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। यदि इस बार के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकप्रियता के चलते पायलट फिर से सीट से जीत सकते हैं। कांग्रेस भी सीट से सचिन पायलट के नाम पर विचार कर सकती है। अब इस सीट पर बीजेपी सहित अन्य विपक्षी दल किसे चुनावी मैदान में लाते हैं और क्या रणनीति अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपका सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या कुछ कहना है, कॉमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। ये जानकारी उपलब्ध करवाई थी टोंक से हमारे रिपोर्टर मनोज तिवारी ने। शुक्रिया।